फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिजाइन का डोरमेट बनाना बताती हूँ, जिसके लिए मैंने ब्लैक और येलो लिया हुआ है। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकती हैं इसमें, और इसे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकती हैं। और इसके लिए मैंने 9 नंबर सिलाई ली हुई है और यहाँ पे 22 फंदे डाले हुए हैं ब्लैक से। ये देखिए, आपने ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप अपने हिसाब से इसमें फंदे डाल सकती हैं। तो मैं आपको ये शुरू से ही बताऊंगी किस तरह से हमने बनाना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 2 सिलाइयाँ ब्लैक से बनाएंगे, इस तरह से 2 सिलाइयाँ मैं ब्लैक से बनाऊंगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 2 सिलाइयाँ ब्लैक की बना लेती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ, ये देखिए, उल्टी हमने बना ली हैं। इसके बाद हम 2 फंदे ब्लैक से बनाएंगे। ये देखिए, आउटलाइन के लिए हम 2 फंदे ब्लैक से बनाएंगे, बाकी के फंदों में हमने येलो लगाना है 20 फंदों में। ये देखिए इस तरह से। बनाने में बिल्कुल आसान है और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम ये सीधी सिलाई भी, ये देखिए, पूरी हम इसी तरह से बना लेते हैं। कि फ्रेंड्स, मैंने सीधी सिलाई बना ली है। अब ये देखिए ध्यान से, ये मैंने 2 फंदे, पहला फंदा उतारना है और धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से 1 फंदा हमने यहाँ पे इस तरह से बढ़ाना है फंदे में से। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने 1 फंदा बढ़ा लिया है और लास्ट के हम 2 फंदे छोड़ेंगे बगैर बुने। किसी भी तरह से आप जैसे आपको ठीक लगे आप उस तरह से फंदा बढ़ा सकती हैं यहाँ पे। तो देखिए, मैं यहाँ पे लास्ट के 2 फंदे बगैर बुने छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 फंदे छोड़े हुए हैं और इस साइड हमने 1 फंदा बढ़ाया हुआ है और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। इसी तरह से मुझे ये 2-2 करके 12 फंदे छोड़ने हैं यहाँ पे और 6 फंदे इधर बढ़ाने हैं। ये देखिए, 2-2 करके 12 फंदे मैं इधर छोड़ूंगी और 6 फंदे हमने इधर बढ़ाने हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। पहला फंदा उतारा और धागा आगे किया, 2 फंदे हमने ब्लैक से बनाए। तो देखिए, हम यहाँ पे इस तरह से 1 फंदा उठा के इस तरह से बढ़ा लेंगे, ब्लैक को इस तरह से पकड़ेंगे और येलो से हम बना लेंगे और लास्ट के हमने फिर से 2 फंदे छोड़ने हैं। इसी तरह से मैं 2-2 करके 12 फंदे इधर छोड़ देती हूँ और 6 फंदे यहाँ पे बढ़ा लेती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2-2 करके 12 फंदे छोड़ लिए हैं। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 2-2 करके 6 फंदे, 1-1 करके 12 फंदे छोड़ दिए और यहाँ पे हमने 6 फंदे बढ़ा लिए हैं। और देखिए, हम यहीं से वापस हो जाएंगे। अब ये देखिए, मैं 6 फंदों को किस तरह से घटाऊँगी। ये देखिए, ये बिल्कुल आसान है।
और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। ये देखिए ब्लैक धागा आगे, दो फंदे हम ब्लैक से बनाएंगे। तो छह फंदे यहाँ पे बढ़ चुके हैं। छह फंदे हम किस तरह से घटाएंगे ये देखिए ध्यान से। पहला फंदा उतारा, दो फंदे हमने ब्लैक से बनाए और ये देखिए यहाँ पे दो फंदों को एक साथ लेके एक फंदा हम घटाएंगे और लास्ट के हम फिर से दो फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। इसी तरह से हम सारे फंदे यहाँ पे ये देखिए फिर से मैंने दो फंदे छोड़ दिए हैं और इसी तरह से मैं छह फंदे यहाँ पे घटा दूँगी और ये जो फंदे हुए फंदे हैं हमारे दो दो करके सारे फंदे हम छोड़ लेंगे इसी तरह से। तो चलिए हम सारे फंदे छोड़ लेते हैं और छह फंदे मैं यहाँ पे घटा देती हूँ। लास्ट के आपको बता रही हूँ, चार फंदे मैं यहाँ पे घटा चुकी हूँ, दो फंदे अभी बाकी हैं ये देखिए। तो सभी फंदे यहाँ पे छोड़ चुके हैं हम, ये देखिए दो दो करके आप देख सकते हैं सारे फंदे मैंने छोड़ दिए। तो देखिए मैं दो फंदों को किस तरह से यहाँ पे घटा दूँगी, ये देखिए दो फंदे हमने इस तरह से यहाँ पे ये देखिए दो का एक कर दिया। तो पांच फंदे घटा चुके हैं ये देखिए, पांच फंदे घट चुके हैं ये देखिए। अब छठा फंदा हम घटा रहे हैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे छठा फंदा हम इस तरह से घटा देते हैं ये देखिए। तो यहाँ पे हमने छह फंदे घटा दिए हैं। अब ये जो फंदे हमने छोड़े हुए हैं सारे फंदे मैं छोड़ चुकी हूँ, अब सभी फंदों को हम इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पे पूरी सिलाई हम इसी तरह से बना लेंगे ये देखिए। ये देखिए मैं यहाँ पे जो सब फंदे मैंने छोड़े हुए हैं दो दो करके सभी मैंने बना लिए हैं ये देखिए इस तरह से। अब हम सीधी सिलाई भी इसी तरह से बना लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सीधी सिलाई और उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली है और एक पत्ती हमारी बनके यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम दोबारा ये दो सिलाई ब्लैक की बनाएंगे उसी तरह से जिस तरह से हमने नीचे बनाई हुई है। उसके बाद हमने इसमें फिर से दोबारा इसी तरह से पत्ती बनानी है जिस तरह से हम आपको ये बताए हैं। तो मैं इसमें आपको पांच पत्तियां बना के बताऊंगी और आपने पूरा डोरमेट इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो हम आपको ये पांच पत्तियां ही इसी तरह के बता देते हैं। इसमें मैं पांच पत्तियां बना लेती हूँ, सॉरी ये देखिए। अब दो सिलाइयाँ हम बना के दोबारा इसी तरह से पत्ती बनाएंगे और पांच पत्तियाँ मैं बना लेती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें पांच पत्तियाँ ये बना ली हैं। आपने पूरा डोरमेट इसी तरह से कंप्लीट करना है ये देखिए। ये देखिए बहुत आसान तरीके से बन के कम्प्लीट हो जाता है। इसमें आपकी 12 कलियाँ बन के कम्प्लीट हो जाएंगी ये देखिए। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय।